कौन कहता है डाइट वाला खाना बोरिंग और बिना टेस्ट वाला होता है? मेरे चैनल पे डाइट वाला खाना मज़ेदार और चटपटा भी मिलेगा आपको, इसलिए रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लेना। कॉर्न की स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये कॉर्न। मेरे पास कुछ इस तरीके का कॉर्न था, इसे मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था, 2 सीटी प्रेशर कुकर में लगा ली थी। मैंने दानों को अलग कर लिया है, थोड़े हल्के सॉफ्ट बॉईल मैंने किए हैं। आप इसको 2 सीटी लगाने से ही ये इस तरीके के बॉईल हो जाएंगे। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे, बट पूरा पेस्ट नहीं करेंगे, बस एक कोर्सली ग्राइंड करेंगे। थोड़ा दरदरा सा रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा ये पेस्ट, ज़्यादा पूरा पेस्ट नहीं है, थोड़ा दर्द। डाल लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, डाल लेंगे थोड़ा धनिया पत्ता। यहाँ है मेरे पास 2 हरी मिर्ची जिसका मैंने बीज निकाल के छोटा छोटा कट कर लिया है, और यहाँ पे है भुना हुआ जीरा का पाउडर। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। पूरे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपने पराठे के लिए आटा लगाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है ये 1 कटोरी जितना मकई का आटा, और लिया है यहाँ 1/2 कटोरी जितना गेहूं का आटा, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ा काला जीरा, डालेंगे धनिया पत्ता। धीरे धीरे गर्म पानी को हम ऐड करते करते मिक्स करते हुए जाएंगे। आटा को अब मैंने धीरे धीरे हल्के हाथों से गूंद लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रेस्ट होने देंगे। आटा हमारा लग गया है, अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब हम लोई को बेल लेंगे। हल्के हल्के हाथों से हम बेलेंगे। हमें इतना पतला बेलना है। अब हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग मैंने बीच में एक ही जगह पर डाला है। अब हम इसे धीरे धीरे एक ट्रायंगल की शेप दे देंगे, यानी कि पॉकेट जैसी इसकी शेप बनेगी, बिल्कुल जैसे समोसे की होती है इस तरीके से, और नीचे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। आप चाहे तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड्स को जोड़ने के लिए। पॉकेट कुछ आपकी इस तरीके से दिखेगी। अब हम इसे सेक लेंगे अच्छे से। तवा मैंने हल्का गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब हम कॉर्न पॉकेट को धीरे से तवे पे रखेंगे। एक तरफ से सिक गया है, अब हम इसे धीरे से दूसरे साइड की तरफ पलट देंगे। अब हम सिकी हुई साइड में थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल या आप जिस भी तेल से पराठे बनाते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड पलट कर भी हम घी लगा लेंगे। क्रिस्पी कॉर्न पराठा एकदम रेडी हो गया है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। गर्मा गर्म कॉर्न पॉकेट पराठा रेडी है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और पूरी फैमिली के साथ एंजॉय करके देखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं फिर मिलूँगी आपके पास इसी तरह की एक रेसिपी को लेकर। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।